उसको बचपन में आँखों में प्रॉब्लम हो गया था, मगर खेल कूद में सहेली सहेली में पेन निकाले, पता नहीं कैसे उसकी आँखों में लग गया था। जब मैं खेलती थी तो पेन घुपा गया था, तो मालूम नहीं था ये सब हो रहा है मेरे साथ। फिर जैसे साल भर निकला इसको, पाँचवीं में गई, फिर छठी में गई, तो टीचर लोग बोलने लग गए कि आफरीन अब पढ़ती नहीं है, ऐसा क्यों करती है, इसको समझाओ। मालूम नहीं पढ़ा था, इसी के लिए नहीं पढ़ पाती थी। तो फिर ये जब सातवीं में गए ना, तो ये मैम लोग कॉटेक के जो मैम होते हैं, इसको चेकअप किए, सब बच्चे लोग को दवा खाना लेके गए थे, तो ये भी गई थी। तो वहाँ सर लोग बोले कि इनको ना आँखों में ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है, इसको चश्मे से नहीं ठीक होएगा। मैडम बोले एक आँखों का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने वो मैम को बोली कि देखिए मैम, पैसा लगेगा उसमें, तो प्राइवेट होएगा, मेरी उतनी है नहीं पोजीशन जो मैं करा सकती हूँ। तो मैडम बोले अच्छा टेंशन मत लो, सब मैं करवा के दूँगी, जो खर्चा होगा हम लोग देंगे, आप मत टेंशन लीजिए। फिर मैम लोग ने पूरा खर्चा अपना उठाए और मेरी लड़कियों का आँख का ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन के बाद फिर थोड़ा दूर का भी दिखने लगता है, बहुत अच्छा देखती है वो और पढ़ती भी, आपको शिकायत भी नहीं आती है। बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे बच्चे की इतनी हेल्प की है, यही मुझे आप लोग से भी कहना है, और मैम लोग की बहुत बहुत शुक्रिया और मेहरबानी है।